हुन दसो की बनाओ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? हुन दसो की नहीं तुसी सराइकी बोलो, तुहाडी सराइकी हिट हो जासी। क्या कह रही थी, क्या लगाए इसको? हरी हरी मुझे भूल गया। सावेल सावेल सावे पत्ते नहीं होंदे? अच्छा, ओ मैं के इंदे विच मारने हन ना सावेल इक पहले लगे आ वाले भाप हो गया दे वाले युति विच चिट्टा थी गया। ये सावल होती है? हां ये सावल, हां सावे पत्ते। अच्छा सावल, अच्छा कोई भी सावे पत्ते हो? हां कोई पालक होवे। अच्छा अच्छा, कोई हमारा हमारे लॉन में धनिया उगा हुआ है। कोई शय होवे तो इसको अभी और ज्यादा सफाई से लिपाई करनी होगी। हां इसके छाले भू पावे, भू पा के मिट्टी गूझी होसी वाले सफाई दी आसी। अच्छा अच्छा, तो ये तो इधर से छत काली हो जाएगी इसकी। ये देखे माशाल्लाह कितना अच्छा सुहांजना है। लगा था इस साल थोड़ा कितना खन सारा। अच्छा अच्छा, अभी तो बहुत ज्यादा ये हर वेले पिछू लगे रहे हैं। अच्छा, हमने तो निकाल दिया। अच्छा खत्म कर दिया। खत्म कर वो ना दीवार के ज्यादा साथ लगा हुआ था, दीवार को धक्का लगा रहा था, फिर निकाल दिया। पहली बार तो टाइम लगता है इसको चिट्टा होने में। हमारे गांव में भी हर घर में है, घर घर में, मेरे ससुराल में हर किसी ने लगाई हुई है। वो तो जरा और मॉडर्न किस्म की है, हांडी पकाती है उसपे। हाँ बस हांडी पका के, हर कोई अपने घर में हांडी पका के फिर रोटियां लगा लेती है। खत्म थी, भूल गए। अच्छा तो शादी के बाद आप लगाएंगी? इससे पहले नहीं लगाई कभी जब से आपकी शादी हुई है? तो पहले अच्छा। कोई नहीं भेड़ी में जब क्या लेंगे। अच्छा अच्छा, नमस्कार सीखना पोसी। मटर वाली भी रोटी? हाँ, होती मटर वाली मिस्सी, मैंने तो कभी नहीं सुनी। लून गए घट के मसाल प्याज। हाँ ये तो सुनिए, मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी बेसन डाल के और हरी मिर्चें काट के प्याज काट के। प्याज काट के ये तो मैंने, मेरी मम्मी भी ये तो बनाती थी। सूखे धाने थी गए एक तो सावे होने हरे और लाल मारिए तोड़ के लाने लग गई है। मैं विश तो मैं विश काम की लकड़ियां। अरे ये मेरे को काम याद नहीं, हर घर में अपनी मलकियत होती है, जो मर्जी बाल दो। अल पता चले हम अलमारियां काम ये खराब है जो रसटू में ये थोड़े क्या पता वो काम का हो और दोबारा सेट हो जाए। अरे तनूर नहीं बनता सारे को क्या पता ही ना हूं। ये तो धुआं करेगा सारा, धुनी बनेगी। और मैं छोड़े के कौन सी लकड़ियां बलती हैं जरा बताएं। और क्या लकड़ी होनी है ना ऊपर छत दे मैं शरीर ना हम मेरे इतना दूर ऊपर पहले ने चक्कर करके पीए स्मार्ट थी वजो बल नहीं तो इधर से चढ़ जाओ ना ऊपर ले आओ कोई दो रास्ता का ही नहीं। अच्छा जरा बाजी को अपने किराएदारों की बात सुनाना। क्या बाजी को? क्या आयशा तू इधर आ। क्या आयशा क्या कोई लतीफ है? क्या कुछ चाहते हम अपने किराएदारों से छत लेने का? किराएदारों ने क्या किया हमारे साथ? पता नहीं, मैं तो नहीं थी, अम्मी थी। ये देख लो, सुनाने को तैयार है। ये मालिक मकान है, हम किराएदार हैं, आप सुनाओ क्या हुआ। मैं आके इधर पगले पास में के दरवाजा है सोचा दे मैं ये छोटी छत दे तो चलो ला दे ये पास भी आ छोटी छत वाले पास में रोटी ला के बाता वाला भाई कोई ना ऐसा नहीं खुलेंगे दरवाजा। आप थी ना कोई मुझे कह के देखता। बस आपने सुन लिया ना मुझे, मैं भी कह के देखे तो जरा कोई भी नहीं कह सकता। क्या समझ नहीं है क्या कहे लकड़ियां उजाड़ा। वैसे बलने तो लगी हैं बहुत अच्छी सी है ना। पहली
पहली दफा ना ज्यादा लकड़ियां लगानी पड़ती है। हाँ ये तो है, जब भी नया तंदूर लगाते हैं तो पहली दफा 12-1 बजे बलशा ते रोटी दी जरूरत हो भी 12-1 बजे दा अट्टा डेढ़ मी ते कु रोटियां लगे होया मिल वे से। अच्छा वाह भाई वाह। ते किलो खन घी मंगा देसी। अच्छा वालू माख दे चोपड़ के। तो साहब ने तो खानी नहीं है, मुझे ही खानी पड़ेगी सारी, वो तो देसी घी नहीं खाते। नहीं वो कहते देसी घी नहीं खाना, बस बकरे खाने हैं, बकरे उनको, बकरे मछलियाँ ये पसंद। अच्छा। है देसी चिकनाई नहीं पसंद उनको। मैं तो जट्टी पली हुई नजर आती है, जट्टी के लश्कारे तो बताते हैं ना, खीर मक्खनों की पली हुई है। कल मेरे सेंटर में भी एक मिस बात कर रही थी, एक और मिस है ना, उनकी जरा मुझसे ज्यादा उम्र होगी, बेचारी से हिला ही नहीं जाता ना ज्यादा उनसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी उम्र है ना, इस उम्र में नहीं आके चला। कहती मैडम आप भी तो है ना, आप इतनी एक्टिव हैं। मैंने कहा मेरे जो हर कोई थोड़ी होता है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह नहीं कहती है, कहती है हाँ देखे ना मेरी तो उम्र ही नहीं है अभी। बालड़ी जाई एडी मोटी भी ना बिलकुल। तो उस वक्त तो बच्चे भी छोटे थे ना अभी, बाकी हाँ अली अरूज तो अभी नहीं थी। हाँ जी हाँ, तो 20s में तो बंदा ऐसा ही होता है। बालो बत्तियां वे माही सा कुमारो संगला नाल, हैं पितल बनाया ये सोना बनसा अमला नाल, ये बत्तियां बलदियां पईयां। अच्छी बली बैठी को उठा के लिए कहते हैं आपको तंदूरी दिखाते हैं, वीडियो बनाया है। नहीं थकती नहीं हूँ मैं। कल आके पिया टीवी है। अच्छा बाग ते डेडी राखी कर कर ते सारी उम्र गुजारी, जले फल खावण दा वेला आया ते लाए गए होर व्यापारी। ओ तुहाडा भला हो जावे। ते मेरे कलेजे च पिया या गाल, मैं के देख के तो सोचूं दा कित मन पोंदी है। बिल्कुल सही कुदरत दा कानून है ना, रब दे बनाए कानूनां नूं बंदा नहीं बदल सकदा। मेरे को ख्याल आया जरा मेरा भनेजा ना उत्तरा था, वो 8 साल का है, मेरे तो पहले बाल कोई ना हाँ, उनको मैं घेन आई हूँ इतना ही। अच्छा। इतना चौक कुंभारा ले सटिया गड्डिया छोटा दी मकैनिक बनया, हूँ वो चला गया है सऊदी। अच्छा अच्छा 5-6 लाख रुपया उनकी तनख्वाह। माशाल्लाह जी विशाल्लाह नसीब होवे। ते हुण ओ मेरे नाल गाल ही नहीं करेंदा, ओए इत्थों दुख लग्या के ऊ ठीक आ के बाग ते देदी राखी कर कर सारी उम्र गुजारी, जले फल खावण दा वेल आया ते लै गए होर व्यापारी। नहीं तो आपने कौन सा उससे कुछ लेना है, वो क्यों नहीं बात करता, आपको तो खुद सत्ते ही खाना है, आपको तो नहीं उससे कोई माल चाहिए। समाणी नहीं बोलन दी, अल्लाह समाणी कुत्ती कोई गैर कुत्ती आई ओ उंदे गाटे ला के बस ओ आधी बस जत एक तू हो देख माए। चलो अल्लाह खुश रखे, तो सा दुआ कीता करो। मैं तो दुआ कर रही हूं खुश रहे, अल्लाह पावे खुश रहो। वो भी इधर रहती रही है ना, ऊपर रहती थी। हां उते उते जड़ी हां मैंने देखी। हां 8-9 साल मेरे कोल रही है। पता नहीं 8-9 साल तो इंसान कोई जानवर भी पालता है ना, उससे भी प्यार हो जाता है बंदे को। जी ऐसा ही है ना, मैं कोई है ना, कैसे इंसान का दिल होता है पता नहीं, मुझे तो लगता है इंसान को दरगुजर करना चाहिए। हाँ दरगुजर करना चाहिए, दरगुजर और एहसान फरामोश नहीं इंसान को होना चाहिए। किसी का छोटा सा भी एहसान है ना याद रखना चाहिए। और आपकी शादी भी अम्मा ने ही, मुझे पता है मैंने देखा है इनको यहाँ पे। हाँ हम आ गए थे उस वक्त ना, जब उनके मेरे ख्याल एक बेटा फौत हुआ था शायद उनका। हाँ मैं आई थी उस वक्त। अल्लाह का शुक्र। हाँ माशाल्लाह नौ खुश है, शुक्र है अल्लाह, असि भी खुश है, वो भी खुश। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
बड़ी हुब नाल आंदी है सानू मिलन। अच्छा माशाल्लाह जी ये तो आई है चार छुट्टियां लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। अफसरियां गोल गोल के इसमें बाल देंगे फिर अब अपने काम की लकड़ियां ढूंढते फिरेंगे मैंने किधर रखी थी वो किथा है किधर रखी थी वो किथा है वो तंदूर खा गया लकड़ियां पूरे घर दिया। अच्छा मैं तो इंतजार कर रही हूँ रोटियां लगेंगी आप कह रही हो रोटियां नहीं लगेंगी आज कल लगेंगी आज बस आज आग ही देखनी है और ये लपाई होगी खूबसूरत करके नहीं लगनी रोटियां आज को आज कोई ना लग लो जी बाजी इब्तदाई तो दिखानी थी आपको मिट्टी ऐसी दीवारों के नाल लाऊंगा उन्होंने पीछे फंड को मिट्टी चिपड़ वैसे रोटा इधर ऊपर ना कोई सफेदी वगैरह फेर देनी थी वो तो काला भी हो गया ऊपर से तो हाँ ये काला होगा सारा ये दरवाजा भी बंद रखें ये सारा अंदर जाएगा धुआं और काला करेगा और लकड़ियां आ गई हैं इस नु खटड़ा नहीं चाहिए ना ये तंदूर लगाने के लिए जेड़ी रोटी की तलब होवे ते दस दीता का आए शुक्रिया बहुत शुक्रिया ठीक हो गया चेक मैं पका के खवे सा हाय वही लकड़ी लगा दी मोटी वाली वो तो ना लगाए हम ऐसे ही होते हैं पाजी पाजी को मेरे से ज्यादा पता हम ऐसे ही होते हैं जब अपनी आई पे आ जाते हैं किठी लकड़ाई को शेर हाँ तो उसमें तो बन जाना था कुछ ना कोई स्टूल बन जाता छोटा सा हाँ। अब अपना तंदूर ना करें अपना काम पूरा करेंगे बाद की बाद में देखेंगे बहुत क्या बन वल्हा जी साहब भी वही सबसे यदि कर रहे हैं सर हाँ बिल्कुल अच्छा आज तो मेरा पेपर नहीं था फिर मैं तो कल ड्यूटी पे होंगी जब मैं ड्यूटी पे होंगी आप लोग मिस्सी रोटियां पका के खाएंगे नहीं इतना टाइम ही नहीं होता अच्छा जेरे वेले मिस्सी रोटी पक सी ना तेरे वास्ते पाई हो सी आए जजाक अल्लाह जिंदे रहो हंसते रहो ते वस्ते रहो चलें ठीक है फिर अब इजाजत अल्लाह हाफिज़ ठीक